Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the important questions of class 9th mathematics science group of Punjab board, all the Punjab board, especially Rawalpindi board. कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ अब क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं 9th क्लास के वेरी सून, तो अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि हम किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करें कि A+ ग्रेड ले सकें. तो कोई लायक नहीं है, कोई बच्चा भी लायक नहीं है, तब तक लायक है बच्चा जब तक वो पढ़ाई करता रहता है. सो आपको कुछ हिंट्स देंगे, कुछ टिप्स देंगे किस तरीके से आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को शॉर्ट और लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें और आप A+ ग्रेड से पास हो सकते हैं. ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारी पूरी बुक तैयार नहीं है, तो आप इतना अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आप A+ भी ले सकते हैं. कैसे, लेट्स स्टार्ट. पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. तो इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट के लिए इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ऑल डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज 1.1 इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट. 1.2 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट. कम्प्लीट एक्सरसाइज 1.3 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट. इसमें 1.3, 1.4, 1.5 ये सारी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. ये 1.4 भी आप देख सकते हैं, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. 1.5 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी एक्सरसाइज किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इज़ इट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, इज़ इट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग. तो 1.5 तक, 1.1 से लेके 1.5 तक जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट. 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास 8 पार्ट्स हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं. ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग. लॉन्ग में जो पहला क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आता है लॉन्ग का, वो आपका 5 का ए होता है. ठीक है, 5 का ए पार्ट जो है वो 1.6 में से ही आता है. और 1.6 के पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स में होता है या फिर एग्जांपल्स में से होता है. एग्जांपल्स कितनी हैं देखें, 3 एग्जांपल्स हैं जी 1.6 से रिलेटेड. ये एग्जांपल 1 है जिसमें हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यूज़ कर रहे हैं. 1.2 में भी, 1.2 में हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं. और 1.2 एग्जांपल 2 है. और एग्जांपल 3 जो है उसमें मैट्रिक इन्वर्जन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करें. तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. और साथ ही हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, ये भी हैं. लेकिन ये है कि हमारे जो पिंडी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आपके पास 1.6 के ये 8 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आता है या फिर दो जो एग्जाम्पल है पहली और दूसरी. ठीक है, किसी भी तैयार कर लें, कोई पता नहीं होता बुरे वक्त का. लेकिन ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में 1.6, 5 का ए पार्ट जो है वो आपका 1.6 में से आएगा. तो 1.1 से लेके 1.5 तक जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. और डेफिनेशन, इस यूनिट में से डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आती हैं शॉर्ट में, दो या कम से कम तीन. ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और पहला यूनिट है. तो पहला यूनिट मोस्टली बच्चों का तैयार ही होता है. रिव्यू को भी देखना है ऑब्वियसली फॉर द MCQs. रिव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर MCQs. और इसके ये जो रिव्यू के क्वेश्चंस हैं, हर रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करें. अगर डेफिनेशन आपकी यूनिट से आपको समझ नहीं आ रही तो आप समरी उठाएं, और समरी उठा के भी आप कर सकते हैं. ठीक है, समरी में आपके पास छोटी छोटी शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं और बहुत इजीली वर्डिंग में होती हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो रिव्यू और समरी फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशंस एंड MCQs और ऑब्जेक्टिव के लिए आप कर सकते हैं. मूव फॉरवर्ड फॉर द यूनिट 2, दैट इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसमें हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज हैं किस तरीके से इसमें काम हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. इसमें आपको शॉर्ट के लिए ये रियल नंबर्स की सेट्स, ये सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं. अक्सर याद आता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, बल्कि ये एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, डिफाइन रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आज कॉल रियल नंबर्स, एंड डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय आर है. और इसको हम यू लिख सकते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. रियल नंबर की डेफिनेशन ये आपको आनी चाहिए, और बाकी सेट्स की नोटेशन बाहर आनी चाहिए, क्योंकि MCQs में भी पूछ सकते हैं और डेफिनेशन भी मोस्टली आ जाती है कि डिफाइन करें इस सेट को. लेकिन रियल नंबर का सेट जो है वो मोस्टली आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा. अगर 2.1 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, इसमें से शॉर्ट एक आता है लाजमन. ये नंबर लाइन वाला अच्छे से तैयार कर लें, ये वाला भी, रिकरिंग वाला भी, इनमें से कोई एक लाजमन आएगा. और ये जो पहले दो तीन हैं क्वेश्चंस, ये तो MCQs में ही आते हैं. ठीक है, सिर्फ ये जो 4, 5, 6 हैं इनको प्रिपेयर करना है आपने शॉर्ट के लिए, और इनमें से एक क्वेश्चन 2.1 में से लाजमन आता है. अब इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी हैं, 4 क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, 6 क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसको भी अच्छे से कर लें.
2.2 जो है ना वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में नहीं आती क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज जो बतानी होती है वो MCQs में बतानी होती है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत अच्छे से करना है और उससे रिलेटेड जो 4.6 से रिलेटेड एग्जांपल है वो भी अच्छे से करनी है क्योंकि वो शॉर्ट में पक्का उसमें से एक आएगा। 2.2 जो है वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। 2.3 में से भी लाजमन एक क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 2.4 में से भी एक क्वेश्चन आता है, तो 2.4 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग आल्सो एंड शॉर्ट, ये अब शॉर्ट में आ जाता है। 3 में से या इसमें से एक शॉर्ट में आ जाएगा, ऊपर वाले जो है 1, 2 और ये यहाँ से जी 2.4 इज़ सम क्वेश्चंस ऑफ 2.4 आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग एंड सम क्वेश्चन आर द फॉर द शॉर्ट। ये जो 3 और 4 है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2.4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। 2.5 इज इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, इसमें आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ये भी है, वो लेट वाला भी आ सकता है। कंजुगेट तो बहुत सिंपल है, कंजुगेट वाला MCQs में आता है। रियल इमेजिनरी पार्ट्स वाला भी MCQs में आता है, मतलब पहला और चौथा इनमें से एक शॉर्ट में आएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो MCQs में आएगा आपका जी। 2.6 की एक्सरसाइज की बात करें तो इसको भी हम लॉन्ग में कंसिडर करते हैं, लेकिन लॉन्ग में क्वेश्चन कौन से आते हैं, मोस्टली लॉन्ग में ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बाकी आपके शॉर्ट में ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2.6 के जो बाकी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन तो आपका MCQs वगैरह में ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये इनमें से कोई शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन जो 7 क्वेश्चन है डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया रिव्यू 1 में कि रिव्यू एक्सरसाइजेज आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मोस्टली MCQs ही हैं, ट्रिक फॉल्स हैं जो भी, और जो क्वेश्चन हैं अब ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं ना, इनमें से भी लॉन्ग में कुछ ना कुछ आ जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है ना रिव्यू के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, इनमें से लॉन्ग एक आता है, या तो इधर से लॉन्ग उठाएगा वो, या 2.4 में से उठाएगा, या 2.67 क्वेश्चन में से उठाएगा। तो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, 5 का बी जो पार्ट है वो 2 यूनिट में से आएगा, वो या तो 2.4 में से होगा, या रिव्यू 2 में से होगा, या 2.67 क्वेश्चन में से होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कोई मसला नहीं है, पहले 2 यूनिट आपके लिए तैयार करना है। समरी अगर आप देखना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, याद रखनी है, वो आप रख सकते हैं जी। यूनिट 3 की बात करते हैं लॉगरिथम की, तो इसमें देख लेते हैं जी कौन सा यूनिट, कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जी। 3.1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। लेकिन इसमें है कि कुछ क्वेश्चन MCQs में भी आए पूछ लेते हैं, लेकिन ये है कि 3.1 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। 3.2 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, इसमें से लाजमन एक क्वेश्चन आता है, या जो क्वेश्चन नंबर 4 में से आएगा, 5 में से, या 6 में से, इन तीनों को 4, 5, 6 में से लाजमन एक शॉर्ट आता ही है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 3.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपके शॉर्ट जो हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। 4, 5, 6 को मज़ीद बहुत ही अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके शॉर्ट आसानी से अटेम्प्ट हो सके। 3.3 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 3.4 में से एक लॉन्ग पक्का आएगा, और वो लॉन्ग जो होगा वो 6 का ए पार्ट हो सकता है। ठीक है जी, 5 आपका पूरा सॉल्व हो गया, 5 का ए पार्ट मैंने कहा 1.6 में से आ रहा है, 1 यूनिट में से, और 5 का बी पार्ट जो है वो आ रहा है आपका 2 यूनिट में से, 2.4, 2.6 का 7 क्वेश्चन या रिव्यू 2 में से आएगा। और अब बात करते हैं कि जो 6 का ए पार्ट है वो कहाँ से आएगा, वो एक्सरसाइज 3.4 में से आएगा। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली वो ये करेगा, क्योंकि उठाएगा तो ये क्वेश्चन 3.4 में से, वो एग्जांपल भी दे सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, 6 का ए पार्ट यहाँ से आएगा 3.4 में से। रिव्यू एज मैंने पहले बताया, जैसे अच्छे से तैयार करनी है रिव्यू 3 को भी, MCQs को, उसकी ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है वो अच्छे से करनी है। 3 क्वेश्चन 4 और 5 ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट के लिए करना है आपने। समरी देखना चाहे तो एक आध दफ़ा देख लें, इसमें लॉज वगैरह देख लें, अक्सर वो लॉज कुछ। हाँ, एक और क्वेश्चन कि अगर वो 1.6 में से क्वेश्चन नहीं उठाता तो वो लॉज भी दे सकता है कुछ बोर्ड्स में, क्योंकि मैं पूरे पंजाब बोर्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ पिंडी बोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे पंजाब बोर्ड में कभी कभार वो ऐसा भी कर सकता है कि 1.6 में से देने के बजाय वो इन लॉ जो लॉज है इनका प्रूफ भी दे देता है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से, कौन से पेज पर।
ये जी आपके लॉज हैं, ये 66 पेज पे हैं, ये लॉ है प्रूफ हुआ हुआ कि अगर एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अगर हम ओपन करें तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन होता है, तो वो किस तरीके से प्रूफ हुआ हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ भी आ सकते हैं। मतलब अगर वो 1.6 में से क्वेश्चन नहीं उठाता तो वो फिर लॉग वाले क्वेश्चन में से मतलब प्रूफ उठा लेता है, ठीक है। सेकेंड ये वाला प्रूफ है, अगर एम और एन डिवाइड हो रहे हो तो फिर लॉग अप्लाई जब करते हैं तो माइनस के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रूफ हुए हैं यहाँ पे। फिर थर्ड वाला जो है वो 68 पेज पे है कि अगर एम के ऊपर कोई पावर है तो पावर शुरू भी आ जाती है, लॉग एम हो जाता है, इसका भी आपको प्रूफ आना चाहिए, यू शुड नो डैट। और इसके अलावा ये चेंज ऑफ बेस फार्मूले वाला भी प्रूफ है कि अगर लॉग ए एन है तो उसकी हमने किस तरीके से बेस चेंज करनी है, मतलब लॉग एन मल्टीप्लाई लॉग बी बन जाएगा और ए बी और ए बेस में चले जाएंगे, मतलब ये पूरा प्रूफ भी आपने करना है। ये फोर प्रूफ्स हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज अगर वो 1.6 में से नहीं उठाता कुछ बोर्ड में, वो यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ भी खा लेता है। तो ये चार प्रूफ थे। अब देखिए जी, हमने तीन लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा दिया आपको, आपको 1.6 में से वन यूनिट में से भी एक करा दिया, टू यूनिट में से भी, थ्री में से भी। अब बात करते हैं फोर यूनिट की, कि फोर यूनिट में से कौन से एक्सरसाइज में से लॉन्ग आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ दो लॉन्ग करने होते हैं। अगर हमारे पहले चार यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हों तो हमारे लॉन्ग का कोई इशू नहीं। और मैंने आपको डिटेल से बताया कि कौन कौन से यूनिट से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू ऑल ऑफ यू जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ़ यू गॉट ए प्लस इंशाल्लाह। और ध्यान बस यही रखना है कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। पहले चार यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके शॉर्ट बहुत सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि बाकी यूनिट में से भी क्या कुछ आएगा, ठीक है जी। तो फोर यूनिट की बात कर लेते हैं, फोर यूनिट में क्या कुछ आ रहा है जी हमारे लिए। फार्मूलाज आपको अच्छे से आएंगे तो फोर यूनिट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जी। एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, टू भी एम सी क्यू से ही रिलेटेड है, थ्री की बात करेंगे, थ्री फोर फाइव से ऑनवर्ड सिक्स तक जो क्वेश्चन हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अल्जेब्रिक फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए कि अगर ए प्लस बी का स्केयर और ए माइनस बी का होल स्केयर है तो ओपन होंगे, टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होंगे। ये फार्मूलाज यू शुड रिमेंबर ऑल द फार्मूला, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन खैर आपको फार्मूला याद होंगे तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तीन फार्मूलाज हैं जी। 4.2 एक्सरसाइज की बात करें तो 4.2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से एक लॉन्ग उठा सकता है वो 4.2 में से, ठीक है जी। जी 4.2 के 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, 4.2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। 4.3 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, 4.3 में से लाजमन एक शॉर्ट आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। इस 4.3 के फोर पार्ट में, फोर क्वेश्चन के पांच पार्ट्स हैं, इनमें से एक वो उठा सकता है शॉर्ट के लिए। तो वैसे पूरी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट एंड द फोर क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 4.4 इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, सेकंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, थर्ड फोर ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइव और सिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि मतलब पहले चार शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आखिरी दो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयारी करनी है। रिव्यू फोर में एम सी क्यूज़ ऑफ इतनी ब्लैंक शॉर्ट के लिए एम सी क्यूज़ के लिए तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर और इससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं रिव्यू के कोई क्वेश्चन एक लाजमन फाइनल इसमें आता है जो सिक्स का बी पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये अच्छे से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, इसमें से भी एक लॉन्ग आ सकता है जी। अगर आपके पहले चार यूनिट तैयार हो चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से दो लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइव का ए बी और सिक्स का ए बी, वो मैंने आपको इस तरीके से बताया और शॉर्ट बताए। अगर आपको लगता है कि भाई ये तैयार नहीं है यूनिट, आगे जाना चाहते हैं तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे शॉर्ट के लिए ज़्यादा बताऊंगी, लॉन्ग के लिए अगर करना चाहते हैं तो ठीक है कर लें, नहीं तो अगर पहले चार यूनिट आपके तैयार हैं तो आपका लॉन्ग आराम से दो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तीसरा हमने वैसे भी करना होता है थ्योरम करना होता है। अच्छा जी, अगर आपके पहले चार तैयार हैं तो आपके दो क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो थ्योरम का होता है, एंड थ्योरम के लिए हमारे पास यूनिट 12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरम्स। यूनिट 12 है हमारे पास लाइन बिसेक्टर्स एंड एंगल बिसेक्टर्स का, तो यूनिट 12 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरम्स। तो अगर आपके पहले चार यूनिट तैयार हैं और यूनिट 12 तैयार है तो आपके तीन लॉन्ग बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इसमें थ्योरम्स हैं ही टोटल पाँच, एक ये वाला है जी पहला,
एनी पॉइंट ऑन द राइट सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. दूसरा हमारे पास इसी का कन्वर्स है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट सेक्टर ऑफ इट, ये दूसरा है आपके पास. तीसरा थ्योरम है राइट सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट. और चौथा है एनी पॉइंट ऑन द सेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म. और पांच इसके थ्योरम, अरे छः है सॉरी, पांचवा है अगर इसी का चौथे का कन्वर्स है, एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द सेक्टर ऑफ इट. और सिक्स वाला है द सेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगुलर कंकरेंट. छः में से एक थ्योरम आएगा ही आएगा पेपर में, फाइनल पेपर में. तो अच्छे से इसको तैयार करें, छः के छः थ्योरम यूनिट 12. तो यूनिट 12 में से आपका एक थ्योरम लाजमन आएगा. अगर आपके यूनिट 12 के छः थ्योरम तैयार हैं तो आपके तीन क्वेश्चंस हो गए. पहले चार यूनिट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुए हैं, यूनिट 12 आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपके तीन लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए एंड यू गॉट फुल इन द सब्जेक्टिव पार्ट टू. ऑब्जेक्टिव जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके चारों यूनिट के बताए. अब पाँचवें से ऑनवर्ड चलते हैं और देखते हैं कि किस किस में से और शॉर्ट्स आएंगे. हाँ जी, अगर किसी को लगता है कि मुझे फोर यूनिट नहीं पसंद या 3 नहीं पसंद, मुझे 5 और 6 पसंद है, तो उसमें से भी देख लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि शॉर्ट तो पूरी बुक में से आने ही आने हैं, और लॉन्ग अगर आप पहले चार यूनिट अच्छे से तैयार कर लें, यूनिट 12 अच्छे से तैयार कर लें, तो आपके तीन लॉन्ग बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे. यूनिट 5 देख लेते हैं जी, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए. यूनिट 5 पे आएंगे फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन यूनिट एक्सरसाइज 5.1 जो है, ये आपने 8th क्लास में बहुत डिटेल से इस तरह के क्वेश्चंस किए थे. यूनिट 6 था अलजेब्रा वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. तो यूनिट एक्सरसाइज 5.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस. इसमें हमारे पास पांच क्वेश्चंस हैं और ये पांच के पांच शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, 5.32 वैसे तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें चौथा क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे पहले तीन और पाँचवा छठा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चौथा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है 5.2 में से. एक्सरसाइज 5.3 कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए. अगर आप चौथे से ऑनवर्ड चलना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने तीसरा चौथा नहीं करना, मतलब मैंने छठा क्वेश्चन नहीं करना, मैंने सातवां करना, तो सातवें का ए जो है वो यूनिट 5 में से आएगा. ठीक है, तो आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये ईजी लगता है तो आप ये अटैम्प्ट कर लें. तो 5.3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग. इसके 9 सवाल हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग. 5.4 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग. रिव्यू 5 के MCQs बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, MCQs के लिए फिर इनकी ब्लैंक्स भी MCQs के लिए तैयार करनी है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से सारे शॉर्ट आएंगे. ठीक है, तो रिव्यू 5 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट. समरी को देखना चाह रहे हैं, देख लें कि समरी में कोई इतनी खास बात नहीं है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द यूनिट 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. इस पे आते हैं, इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कौन सी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी लॉन्ग के लिए. जी, एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये तो आता है शॉर्ट में. 6.1 के जो पहले पांच क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट. और 6 से लेकर 11 तक इसमें से एक लॉन्ग आ सकता है. तो पहले पांच आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं 6.1 के, और 6 से लेकर 11 तक आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं. 6.2 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, इसके 13 क्वेश्चन हैं. अगेन बता रही हूँ कि अगर आपके पहले चार यूनिट तैयार हो गए हैं तो फिर इन लॉन्ग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इन यूनिट में से सिर्फ शॉर्ट तैयार करें तो आपका पेपर ए प्लस ग्रेड के साथ बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए. एक्सरसाइज 6.3 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, इसमें टोटल पाँच क्वेश्चन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग. इनमें से लॉन्ग आता है रिव्यू 6 के MCQs के लिए. तैयार कर लें ये रिव्यू 6 MCQs सारे. इसमें 17 MCQs हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 3 भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 4, 5 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 जो है वो लॉन्ग के लिए अच्छा से तैयार कर लेंगे आपने रिव्यू 6. अगर फिर बता रही हूँ, अगर आपके तैयार हुए हुए हैं यूनिट 4 पहले अच्छे से लॉन्ग के लिए, तो फिर इसमें लॉन्ग पर ध्यान ना दें, इसमें सिर्फ जो मैं शॉर्ट बता रही हूँ उनको ही तैयार करें. जी, यूनिट 7 की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी का. जी, 7.1 में से शॉर्ट ही वो मोस्टली देता है. कुछ लंबे क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको शॉर्ट के लिए प्रेफर करते हैं. ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है 7.1, ये शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लें. 7.2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये तो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7.2 का जो टू क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट. इसमें से लाजमन एक शॉर्ट आएगा 7.2 में से. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसको बहुत अच्छे से तैयार करें शॉर्ट के लिए, इसमें से लाजमन एक शॉर्ट आएगा, ये कन्फर्म है. जी, शॉर्ट के लिए एक और बात यहाँ पर 7.2 के बाद अगले पेज पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी हैं. यू शुड रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज़. इनमें से एक प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार, मतलब सारी प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार करें, एक शॉर्ट में आती है प्रॉपर्टी, कोई भी है वो शॉर्ट के लिए आती है.
ये इसका पेज नंबर भी नोट कर लें, पेज नंबर 139 है बुक का, टेक्स्ट बुक का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी है, ये चार इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है, ये लाजमन आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इनमें से कोई ना कोई एक आध प्रॉपर्टी पूछ लेता है, एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है आपने। एक्सरसाइज 7.3 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। इसमें से पहले के 8 पार्ट हैं, दूसरे के भी 8 पार्ट हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। और रिव्यू की बात करते हैं, रिव्यू के एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स भी अच्छा से देख लीजिएगा, कोई भी एमसीक्यूज में आ सकता है, नौ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन शॉर्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इनमें से लाजमन रिव्यू में से भी एक आध शॉर्ट आ जाएगा आपका, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें, ठीक है जी। समरी में भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ से प्रॉपर्टी कर ली है तो कोई मसला नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है ये, इसको अच्छे से एक दफ़ा देख लीजिएगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द यूनिट ए, दैट इज लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट एंड वेरी वेरी सिंपल यूनिट। इसमें से डेफिनेशन आती हैं, ऑर्डर पेयर क्या होता है ये पूछ लेता है एमसीक्यूज़ वगैरह में, कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपका ये क्वेश्चन आता मोस्टली इसमें से है, एमसीक्यूज़ में आता है। यहाँ पे ये ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन जो पेपर में आपका क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 8.1 में से, 4 और 5 में से लाजमन एक क्वेश्चन आता है। 4 और 5 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इनमें से लाजमन एक शॉर्ट हर टाइम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में 4 या 5 में से पक्का आता है, बाय इज़ इक्वल टू एमएक्स प्लस सी वाला। इसको तो बस आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करके बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 और 5 बोथ। 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 का तो लाजमन मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन आता है, इवनिंग में से भी। 8.1 में से वैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 4 में से कंफर्म है, इसको तो आप कंफर्म कर लें। 4 के ये आपके जो 6 पार्ट्स हैं जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल भी नज़र आती है वो भी कर लें, लेकिन अगर आपने ये 6 पार्ट किए हैं तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ये है के 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करें जी, 8.1 का शॉर्ट, और वैसे पूरी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। हाँ जी, क्योंकि लॉन्ग आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो मेरे ख्याल में 8.2 और 8.3 पे फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार करना चाहते हैं, आपको बहुत आसान लगता है 8.2 और 8.3 लॉन्ग के लिए तैयार कर लें, लेकिन 8.1 में से शॉर्ट आएगा, लाजमन आएगा। 8.1 को अच्छे से क्लियर करें, बाकी 8.2 और 8.3 को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। आप 8.1 बहुत अच्छे से शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, ठीक है जी। रिव्यू 8 में से एमसीक्यूज़ अच्छे से तैयार करें। अब 3, 4, 5 और 6 इनको अच्छे से तैयार कर लेना आपने ग्राफ वाला, क्योंकि इनमें से लाजमन एक क्वेश्चन इधर भी आता है शॉर्ट में। तो 3 से लेके मतलब रिव्यू 8 और 8 यूनिट में से आप 8.1 और रिव्यू 8 अच्छे से तैयार कर लें बस, तो आपका पेपर बड़े अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई लव दैट यूनिट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं जी। एक्सरसाइज 9.1 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। डिस्टेंस वाला आपका शॉर्ट 8 पहला क्वेश्चन, इसमें से लाजमन एक आता है पहले में से। सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन 9.1 इज़ ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, पहले में से लाजमन एक क्वेश्चन आएगा। 2 की बात करते हैं। हाँ जी, एक और बात ये है कि यहाँ पे आपको एक तो डिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये यू शुड रिमेंबर डैट थिंग, क्योंकि डिफाइन आ सकता है। और इधर यहाँ पे एक और बहुत मज़े की चीज़ है जी, ये कि हम डिफरेंट शेप्स का डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं, तो जो शेप्स है उनकी डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर डैट, क्योंकि डेफिनेशन आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की और स्केलन की, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की जो टाइप्स है इनकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है और आएंगी शॉर्ट में, क्योंकि 9 यूनिट में से या तो 9.1 में से शॉर्ट देगा, एक डेफिनेशन यहाँ से उठाएगा, इन तीनों ट्रायंगल में से कोई एक डेफिनेशन उठा लेगा, डिस्टेंस फार्मूला उठा सकता है डेफिनेशन के लिए। और आपका जी 9.2 में से वो लॉन्ग दे सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि आप इतने यूनिट साथ, ये साथ अगर यूनिट 4 भी तैयार कर चुके हैं तो आप ए प्लस से पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पहले 3, 4, 4 नहीं करना तो आप 5 और 6 कर सकते हैं, 7वां 8वां 7वें तक कर सकते हैं, लेकिन 9वां अगर आप करना चाहें तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप इसको छोड़ें, आप इसमें से शॉर्ट ही तैयार करें जी। 9.3 का जो पहला पार्ट है डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट्स, आपका लाजमन एक क्वेश्चन आता है। 9.1 में से एक क्वेश्चन उठाया उससे, 9.3 में से वो एक क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन में से कोई भी एक पार्ट उठा लेगा 6-6 में से। आगे लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बेशक स्किप कर दें, और 1 क्वेश्चन 9.3 का अच्छे से शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। रिव्यू 9 पे आएंगे, एमसीक्यूज तैयार करें, और क्वेश्चन नंबर
3 तैयार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है। इस पर भी एक दफ़ा पढ़ लें सही, कोई एमसीक्यूज़ में आ जाता है, लेकिन 3, 4 और 5 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे मौजूद है। इन में से एक डेफिनेशन लास्ट में आएगी, एक मॉर्निंग में आएगी, एक इवनिंग में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। इन ये कितनी डेफिनेशन है जी? 8 डेफिनेशन। इन 8 को तो आप टिप्स पे याद कर लें, मिड पॉइंट आप याद दे सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ना ये 3 को क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एक्सरसाइजेस में भी यही बताया कि डिस्टेंस वाले में से एक शॉट आता है, एक मिड पॉइंट वाले में से आता है और एक डेफिनेशन आती है। तो यहाँ से भी ये रिव्यू में भी है, थोड़ा सा रिव्यू से भी आइडिया आप ले सकते हैं। जिस तरह के रिव्यू में क्वेश्चन बने हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस में बने हुए हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। यूनिट 10 पर बात कर लेते हैं। यूनिट 10 है आपका कंग्रुएंट ट्राइंगल्स का। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड, यूनिट 10 से ऑनवर्ड जितने भी यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशन आप एंड में, बुक के एंड से तैयार करें। ये जी यूनिट 10 से ऑनवर्ड 290 पेज पे जो डेफिनेशन हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम से ऑनवर्ड ये डेफिनेशन आप तैयार कर लें। ये रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो अगर मॉर्निंग में आई है तो प्रोपोर्शन इवनिंग में आएगा, प्रोपोर्शन अगर मॉर्निंग में आया तो रेशियो इवनिंग में आएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 290 से लेके 290-291 बोथ पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर जो डेफिनेशंस दी हुई है, इनको आप बहुत अच्छे से रिमेंबर करें, बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनमें से लास्ट में एक डेफिनेशन आएगी। ये फिर सिंबल्स हैं, सिंबल्स आर नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। हाँ, अल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे आखिर में दिए मैंने, देखिए ये लॉग के लॉज भी, तो इनको यहाँ से अगर आप, क्योंकि एक जगह पे आपके पास लिखे हुए हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से ये तैयारी कर लें इनकी, और 290 और 291 पेज यहाँ से तैयार कर लें। बाकी अगर आप पेजेस डेफिनेशन के लिए करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप कर लें, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, कर लें, ठीक है, क्योंकि इनमें से लास्ट में डेफिनेशन तो आती हैं, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। एक खैर मैंने आपको एक्सरसाइज उधर से भी बता दी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 10 से ऑनवर्ड आप इनको तैयार करें, ठीक है। अब जाते हैं यूनिट 10 पे वापस। अच्छा जी, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10 से ऑनवर्ड थ्योरम्स वाले यूनिट स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपसे कहा कि यूनिट 12 आपने थ्योरम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और बाकी जो यूनिट्स हैं 10 से ऑनवर्ड आके उन सब की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयार करनी है फॉर द शॉर्ट। रिव्यू 10 से ऑनवर्ड जितनी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज हैं, उनको आपने टिप्स पे तैयार कर लेना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें से लाजमन शॉर्ट्स आते हैं इनमें से, ये एक्सरसाइजेज हैं, एक दो और हैं वो आपको बताती हूँ मैं। रिव्यू एक्सरसाइज 11 भी आपने तैयार करनी है। मैंने वैसे जैसे बताया कि रिव्यू 10 से ऑनवर्ड जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं, आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन, इन दोनों में से, तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो खैर, रिव्यू आपने सारी ही तैयार करनी है 10 से ऑनवर्ड। 12 जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरम्स। तो आपका अगर 12 के 6 के 6 थ्योरम याद है, तो आपका थ्योरम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं। ये जी रिव्यू 12, रिव्यू 12 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पेपर में पक्का होता है, लेकिन सारे ही तैयार करेंगे शॉर्ट के लिए। अच्छा जी, यूनिट 13 बात करेंगे साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल की। तो इसमें से भी आप बेटे तैयार करेंगे सारे के सारे रिव्यू जी। ये रिव्यू एक्सरसाइज 13, इसमें से भी ये पहले बार तो चले एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा पढ़ लें, ट्रू फॉल्स ही हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से लास्ट वन एक शॉर्ट आएगा। देखिए जी, यूनिट 14 है रेशियो प्रोपोर्शन। जितने यूनिट्स होते हैं ना, उनके नाम वाली डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है, टिप्स पे हो, क्योंकि जो नाम वाली डेफिनेशन हैं उनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आ जाती है, तो नाम जो भी है उस यूनिट का वो तो आपको प्रिपेयर हो। तो रेशियो प्रोपोर्शन में से अंडरस्टूड है कि एक डेफिनेशन लाजमन आएगी, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। देखिए रिव्यू 14 में आपको दी हुई है ये रेशियो की डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो ये चारों डेफिनेशन आपकी टिप्स पे तैयार हो। लेकिन ट्रू फॉल्स है, इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि क्या पता एमसीक्यूज़ में से कुछ पूछ ले। और ये आगे क्वेश्चंस है, ये जो 6 क्वेश्चन है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है आपने, रिव्यू सारी ही अच्छे से जाके, रिव्यू 10 से लेके ऑनवर्ड जितनी भी रिव्यूज है, अच्छे से टिप्स पे तैयार करें। अगर आप अपना आखिरी पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेशन ढेर होंगी और इधर से रिव्यूज़ के क्वेश्चंस ढेर होंगे। जी, बात करते हैं यूनिट 15 की, पैथागोरस थ्योरम। देखें जी, पैथागोरस थ्योरम नाम है, तो इसकी डेफिनेशन आपकी टिप्स पे तैयार हो। लाजमन पेपर में या तो पैथागोरस थ्योरम आता है, या पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो रिव्यू में क्वेश्चन है वो भी तैयार करें, पैथागोरस थ्योरम भी तैयार करें। अक्सर बच्चों को हम अगर आया वो डिफाइन पैथागोरस थ्योरम, व्हाट इज मेंट बाय पैथागोरस थ्योरम, तो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो क्या करते हैं ए बी सी लिख देते हैं, आई हेट दैट थिंग। आप सिंपली लिखिए पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी सी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे आगे अगर आप चलते हैं, आप ट्राइंगल बनाते हैं, आप हाइपोटेन्यूज़ को कोई नाम देते हैं, बेस को नाम देते हैं ए बी सी में से, परपेंडिकुलर को, तो फिर ए बी सी लिखें डायरेक्टली, ए बी सी
इज़ नॉट गुड कि आप वो देखने वाले को भी लगता है कि यार ये क्या ABC है, चेक करने वाला भी. तो बेटर है आप पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन अच्छे से याद करें. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वायर. उसके बाद ये फिर आप बेस को बी दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को सी दे रहे हैं, पर्पेंडिकुलर को ए दे रहे हैं, और फिर लिख सकते हैं इसी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बाकी इसमें से थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डेफिनेशन ही करें और रिव्यू करें. जी ये रिव्यू 15 में हम आ गए हैं, तो ट्रू फॉल्स है इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. या तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन आएगी या इन चारों सवालों में से एक सवाल पक्का आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 15. इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन लाजम बनाना है, चारों में से एक लाजम बनाएगा. इन चारों को अच्छे से तैयार कर लें शॉर्ट के लिए और साथ आप पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन कर लें. जी अब बात कर लेते हैं यूनिट 16 की, दैट इज़ थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया. इस पर देख लेते हैं क्या कुछ कर सकते हैं. इसकी रिव्यू 16 वेरी इंपॉर्टेंट है. रिव्यू 16 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से लास्ट में एक क्वेश्चन आता है. या तो आपका एक टाइम पे क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ शेप आ जाएगी, उसका आपने एरिया फाइंड करना होगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई डेफिनेशन आ जाएगी. तो ये रिव्यू 16 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 3. इसको और टिप्स पर तैयार करें, इसमें से लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है. जी 17 यूनिट 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है. अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी मर्जी है. नहीं करना चाहते तो शॉर्ट के लिए आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं इसकी. देखिए अगर ये शॉर्ट में छोटी सी आ जाती है, कंस्ट्रक्ट करें ट्रायंगल, एक एंगल है, दो साइड्स है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको शॉर्ट के लिए. जी रिव्यू 17 में जाएंगे, इसमें अगर ट्रायंगल को शॉर्ट में आती है जी, तो 17.1 को शॉर्ट के लिए तैयार कर लें. ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स आपने ड्रॉ करनी है. 17.1 इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट एंड देन रिव्यू 17. रिव्यू 17 में से MCQs अच्छे से तैयार करें, बिल्डिंग प्लान्स अच्छे से तैयार करें, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन सेंटर, सकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी, इसमें से लास्ट में एक डेफिनेशन आएगी. तो इस तरह जी हमारा यूनिट कंप्लीट हो गए हैं सारे, उनका रिव्यू मैंने आपको दे दी. फ्री बुक का जी रिव्यू आपको मैंने दिया कि कौन सी एक्सरसाइजेज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी एंड यू शुड पास विद A+ ग्रेड इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास. ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ऑल द बेस्ट.